सुहेल अख्तर से मैं पूछना चाहूंगा कि क्योंकि आप एक सरप्राइज जब आपका अनाउंसमेंट किया गया कैप्टन का ड्राफ्ट के दिन में, तो किस तरह आप अपने बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? किसी किस्म का कोई दबाव तो नहीं है इतनी बड़ी लीग और पूरा पाकिस्तान में एडिशन हो रहा है ये वाला? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जहाँ तक बात है दबाव की, तो सीनियर्स के होते हुए मेरा ख्याल है कोई ख़ास दबाव नहीं होना चाहिए। सारे फ्रेंडली हैं और जिस तरह हम 2-3 माह से हमारा कैंप लगा हुआ है तो काफ़ी चीज़ें सीखने में भी मिली सीनियर्स से, और जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से भी फुल कॉन्फिडेंस है मुझे, तो मैं समझता हूँ कि सच कोई इस तरह का प्रेशर नहीं है। बात जी सर, मेरे दो सवाल आते हैं, एक फ़खर से और एक आके भाई से। फ़खर, पिछला PSL जो लाहौर कलंदर की या क्रिकेट फैंस की आपसे तवक्कोआत थी, फ्रेंकली स्पीकिंग आप उस पर पूरा नहीं उतरे, कोई बड़ी इनिंग्स भी सामने नहीं आई, ना ही लाहौर कलंदर को वन साइडेड के मैचेस जितवाए, तो आप अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तानी टीम में भी सम टाइम अब आप पे आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। दूसरा आके भाई, बतौर हेड कोच अब लाहौर कलंदर अपने होम ग्राउंड पर खेलने आ रही है, तो लोगों की वही होप्स हैं कि कलंदर्स इस बार क्या करेंगे, तो इस बार कलंदर्स कुछ नया करने जा रहे हैं रिजल्ट वाइज? पहले फ़खर जवाब देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल लास्ट ईयर इतना अच्छा नहीं गया था लाहौर कलंदर का भी और मेरा पर्सनल भी, और फॉर्म मेरी पाकिस्तान टीम में भी आपके सामने थी, इस वजह से बांग्लादेश के अगेंस्ट भी मैं नहीं खेला। तो अब मेरे हाथ में है मेहनत करना, और मैंने अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत की है और इस PSL के लिए, और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि जो मैं आउट ऑफ फॉर्म था तो वही फॉर्म, क्योंकि थोड़े दिन पहले प्रैक्टिस मैच मैंने खेले उसमें अच्छे खासे रन हुए हैं, तो मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ इस PSL के लिए कि मैं अपनी जो खोई हुई फॉर्म है उसको वापस लेके आऊँगा इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर दैट। देखिए, हर सीज़न जो है वो एक नया सीज़न होता है, और ये ICC की रैंक टीम्स नहीं है, होती लीग्स में हर साल चेंज होती हैं, आप 6 से 7-8 मैक्सिमम प्लेयर्स रिटेन करते हैं, तो सारी टीमें देखें तो सबकी शक्लें डिफरेंट हैं इस दफ़ा। और चूँकि लाहौर जो है, लाहौर में आज तक नहीं खेला क्योंकि आगे नहीं कभी क्वालिफाई किया था, तो आई थिंक दिस इज़ द टाइम। जिस तरह की कंडीशंस हैं, जिस तरह के हमारे प्लेयर सिलेक्शन हुई है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, और जो रिजल्ट्स हैं पिछले सालों के वो इस साल उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही कोई असरअंदाज हो सकते हैं। न्यू टीम एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, जिस तरह से बॉलिंग ऑप्शंस हैं हमारे पास, बैटिंग में एक्सपीरियंस है, सो आई एम वेरी होपफुल, और इंशाल्लाह रिजल्ट विल बी वेरी डिफरेंट। मेरा क्वेश्चन हफीज़ साहब, हफीज भाई ये बताइएगा कि जैसे MCC के मैच में लाहौर कलंदर को सपोर्ट करने के लिए ऑडियंस एक बड़ी तादाद में आई थी दापी स्टेडियम में हमने देखा, लेकिन लाहौर कलंदर जो PSL शुरू होने से पहले ही शायकीन क्रिकेट को मायूस कर रहा है, आपने देखा, आपने भी वहाँ पे मैच खेले, क्या समझते हैं कि लाहौर कलंदर इस बार भी लाहौरियों को मायूस करेगा? देखें, ऑलरेडी बात हो चुकी है कि पिछले सीजन की जो परफॉर्मेंसेज हमने दी हैं एज ए टीम, वो पिछले सीज़न से गुजर गए जी, बिल्कुल उसमें अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं आई, उसको एडमिट किया गया, उसको देख के एक बेहतर टीम जो है इस PSL के लिए जो है वो सिलेक्ट की गई। लाहौरी हमेशा से, लाहौरी या लाहौर कलंदर के जो फ़ैन हैं वो पूरी दुनिया में मौजूद हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं, हालांकि हारने के बावजूद अक्सर लोग आपको जो है वो पसंद नहीं करते और आपके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के उंगलियाँ उठाई जाती हैं, लेकिन हमारे फैंस ने हमेशा हमें रिस्पेक्ट दी है बुरी परफॉर्मेंस ग्राउंड में, उसके बावजूद जो लाहौर कलंदर मैनेजमेंट ने दिल जीते हैं अपने PDP प्रोग्राम के थ्रू पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, जिसकी एक ताज़ा मिसाल हारिस राउत की शक्ल में हमारे सामने बैठी हुई है, कि जिस तरह इसकी डेवलपमेंट हुई, जिस तरह पाकिस्तान के लिए इसने अपना सफ़र शुरू किया है, तो बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतर एक रिज़ल्ट हमें मिला लाहौर कलंदर की एक मैनेजमेंट और उनकी मेहनत की वजह से जो उन्होंने PDP प्रोग्राम के थ्रू की। लेकिन यस, PSL की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, हम सब लोग बहुत पूरी उम्मीद हैं, तैयारी पूरी है, और मैं चाहूँगा कि जिस तरह हमें मुश्किल हालात में भी हमारे सपोर्टर्स ने, हमारे फैंस ने हमें मोहब्बत दी, प्यार दिया, उसी तरीके का प्यार इंशाल्लाह वो इस साल भी देंगे। लाहौर के अंदर हमारे ज़्यादा मैचेस हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा उसका, हम अच्छी परफॉर्मेंसेज देंगे, लोग हमें बैक करेंगे, एंड इंशाल्लाह इट वुड बी अ ग्रेट रिजल्ट फॉर लाहौर के अंदर। इधर माइक देते हैं।
मेरा सवाल है हारिस राउत से। हारिस, आपने एक बड़ी लेगेसी छोड़ी है खासकर ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक क्रिकेट में, जो आपने परफॉर्मेंस दिखाई है, मगर पाकिस्तान के लिए अच्छा ये भी है कि मूसा खान भी है, नसीम शाह भी है, हुसनैन भी है और अब आप भी आ गए हैं, बट बीइंग प्रोफेशनल क्रिकेटर अंदर कुछ ना कुछ सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट आपके अंदर भी चल रहा होगा। इस मुकाबलेबाजी में आप भी अपने आप को इन रखना चाह रहे हैं कि इन तीनों से अच्छा परफॉर्म करें ताकि जो आपकी लेगेसी है वो कायम रहे? देखिए, बात होती है परफॉर्मेंस की, अगर आप परफॉर्म करते रहो तो ऑब्वियसली बात उसको रिगार्ड जरूर दिया जाता है। तो मेरी कोशिश थी अपनी परफॉर्मेंस पे अपनी हार्ड वर्क करता रहता हूँ। बाकी जिस तरह पाकिस्तान के लिए, जिस तरह नसीम शाह है, मूसा है, हुसनैन है, तो एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि यार एक यंग पेसर है पाकिस्तान टीम के लिए। तो जारी बात है, अगर आप इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट खेलते हो तो पेस मैटर करती है, तो एक जारी बात है अगर वो परफॉर्म करते हैं, मैं परफॉर्म करता हूँ, जो परफॉर्म करता है जारी बात उसको रिगार्ड जरूर दिया जाता है। आप जी, मेरा पहला क्वेश्चन हफीज़ भाई आपसे, बड़ी ज़बरदस्त हमें लाहौर कलंदर का बॉलिंग यूनिट दिखाई दे रहा है, आइदर इट्स फास्ट बॉलर हो या स्पिनर्स हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर ज़रूर है कि बैट्समैन उतना हमें बैटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रही बाय द नेम, तो समझते हैं कि आपके ऊपर कोई ज़्यादा जिम्मेदारी होगी और आपने उसको प्रूव करना है। सेकेंडली आके भाई, हारिस आपने दिए PDB प्रोग्राम से आप लेकर आए, ये जो आगे पाँच लड़के बैठे हुए हैं, इनमें से आप कौन सा देख रहे हैं जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट नज़र आ रहा है? देखिए, हारिस की अच्छी प्रोग्रेस रही, बड़ी बड़ी उसने मेहनत की है और ऑस्ट्रेलिया में जाके जिस तरह उसने परफॉर्मेंस दी और फिर पाकिस्तान भी खेला है, इसी तरह से पांच छह यहाँ बैठे हैं और पांच छह अभी घर में भी रह रहे हैं कलंदर हाउस में। हम देखते ये हैं कि एक बच्चे में पोटेंशियल ऐसा हो कि अगर उसको ट्रेन किया जाए और वो खुद की मेहनत करे तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट का पोटेंशियल होना चाहिए उसमें। सो आई थिंक जितने बैठे हैं उसमें, ये दो लेग स्पिनर्स हैं, ये ऑलराउंडर है, और लास्ट में जो है वो दिलबर है जो मेलबर्न स्टार से हारिस राउत को रिप्लेस करके मैच भी खेला था। जाहिद है, ये बैट्समैन थे, अब पिछले कोई दो तीन वीक से इनके ऊपर काफ़ी हमने प्रेशर डाला कि आप कीपिंग करो, तो आपने देखा कि दो वीक की मेहनत के बाद उसने लाइव मैच में अगेंस्ट MCC उसने विकेट कीपिंग की और ज़बरदस्त की। तो इसलिए आप लोगों का टैलेंट देखो और उनको फिर डेवलप करो ताकि वो अपने आगे करियर बना सके। जी, बैटिंग के हवाले से पहली बात तो ये है कि कभी भी आप डर लेके और खौफ लेके आप ग्राउंड के अंदर नहीं जाते। बैटिंग यूनिट बहुत ज़्यादा सीनियरिटी के साथ जूनियर्स का जो ब्लेंड है वो इस टीम के अंदर मौजूद है। बड़े नाम चाहे ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर क्वालिटी हो, आपके अंदर उस फॉर्मेट के लिए जो आपकी कम्बिनेशन की ज़रूरत है, जो टीम की ज़रूरत है, वो अगर पूरा हो तो आप परफॉर्म अच्छा करते हैं। इसीलिए लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट ने वो लोग चुने जो उनको ये लगा कि वो हमारे कम्बिनेशन के मुताबिक, हमारी टीम के मुताबिक वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और इन द कंडीशन ऑफ लाहौर, तमाम लोग यहाँ से जो हैं वो लाइक पूरी दुनिया में खेल चुके हैं, जो हमने पिक्स की ली हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स की, पाकिस्तानी प्लेयर्स इसमें मौजूद हैं। सो मेरे ख्याल में बड़ा नाम चाहे ना हो, और मुझ पर जो आपने बात की कि मुझ पर प्रेशर वाली, अगर बड़ा नाम ना भी हो तो भी आपने टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे परफॉर्मेंस जो है वो सबसे बड़ा आपका जो है वो की होती है आपके लिए। और मेरे ऊपर किसी भी तरह से कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, मैंने अपनी गेम खेलनी है और कोशिश करनी है कि अपनी परफॉर्मेंसेज के साथ लाहौर कलंदर की टीम को मैं जिताऊं। जी सर, मेरा पहला सवाल तो शाहीन से होगा। शाहीन डेफिनेटली एक साल बाद आ रहे हो, पहले से काफ़ी मैच्योर बॉलर हैं आप, अभी कलंदर के लिए कोई खास टारगेट रखा आपने? एंड सेकेंडली, माय क्वेश्चन इज टू पाटिल that you played, you know, good season last year, but couple of overs in certain match you turned everything. So having played for the MCC now in Pakistan, how are you prepared for this upcoming? Shaheen? Ji, bilkul. Pehle se alhamdulillah kaafi fitness aur kaafi bowling pe kaafi work kiya hai coaches ke saath Pakistan team mein, aur जब अनफिट हुआ था तो उस टाइम एनसीए में काफ़ी वर्क किया था, तो अलहमदिल्ला अभी काफ़ी मेहनत करूँगा अभी भी और कोशिश करूँगा। जो पिछले बार लाहौर कलंदर के लिए इतना अच्छा नहीं कर सका जिससे वो मैच नहीं जीते, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जो भी मेरे अगर एक आउट हो या दो आउट हो तो उससे टीम जीते, मैं कोशिश करूँगा अच्छी परफॉर्म दूँ टीम के लिए, उससे टीम जीते। Sorry.
Yeah, it's good to be in Lahore, but it's obviously match practice is quite valuable for me. And obviously playing for the MCC, I can get used to the wickets and see what we're going to get. So it's obviously practice, match practice is excellent for me, and hopefully I can produce some good performances for Lahore. मेरा क्वेश्चन फखर जमान से है क्योंकि आप अभी पिछले आप इंजरी का शिकार रहे हैं उसके बाद आपको टीम में शामिल नहीं किया गया तो मिसबाह उल हक ने कहा कि पीएसएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे प्लेयर्स को वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किया जाएगा तो आप देखते हैं कि कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि एहसान अली और इसके अलावा बहुत से ओपनर्स हैं जो पीएसएल में परफॉर्म करेंगे और पार्टिसिपेट कर रहे हैं कैसा कंपटीशन देखें देखिए पाकिस्तान की टीम के लिए तो हमेशा कंपटीशन अच्छा ही रहता है बहुत सारे लोग लाइन में लगे होते हैं जो परफॉर्म करता है वो स्टे करता है जो नहीं करता तो वो टीम से आउट हो जाते हैं और इंजरी मुझे छोटी सी इंजरी हुई थी और वो एक हफ्ते के अंदर ही मैंने रिकवर कर लिया था उससे और देखिए हर प्लेयर के हाथ में होता है मेहनत और परफॉर्मेंस करना तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इस पी एस एल में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँ और वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाऊँ सलमान मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बैड लक आपके साथ कि आप 10 साल से आउट हैं परफॉर्मेंस भी अच्छी है इस तरह लाहौर कलंदर के साथ ही बैड लक है कि वो भी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे तो क्या आप समझते हैं कि ये जो लाहौर में मैचेस हो रहे हैं आपके पीएसएल के इसमें आप होपफुल हैं या आप अंडर प्रेशर तो नहीं आएंगे कि दोबारा पाकिस्तान में आने के लिए सबसे पहले तो ये बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान में पीएसएल आई है और देर इज़ नो रीज़न इसको एज प्रेशर या इस तरह की कोई चीज़ जहन में आए मेरे जहन में तो नहीं है मैं बहुत अरसे बाद इधर एमसीसी के अगेंस्ट एक फुल हाउस में मैच खेला हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान में क्रिकेट बड़ी सक्सेसफुली वापस आई है लोगों ने पूरा पार्टिसिपेट किया उस इवेंट को बड़ा बनाने में और मेरी टीम से भी मुझे कोई ऐसा प्रेशर क्रिएट नहीं किया गया इनफैक्ट हमें अपने रोल्स का पता है और हमने उसी चीज़ को फॉलो करना है जो हमारी टीम को सूट करेगा जो जो हर बंदे से हमारी कैप्टन की और मैनेजमेंट की बात हुई है और इसके अलावा आई एम हैप्पी टू बी हेयर और बाकी जो अल्लाह ताला करते हैं बेहतर करते हैं व्हाट हैज हैपेंड हैज हैपेंड इट्स पास्ट और अब आई हैव टू लुक फॉरवर्ड और डू वेल जी मेरा सवाल है हफीज़ भाई और आकिब भाई दोनों से कि इस पीएसएल सीज़न 5 में लाहौर और कराची को जो है वो रवायती हरीफ कहा जा रहा है और 8 मार्च को लाहौर में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का मैच है क्या कहेंगे आप देखिए ये इसकी यही तो खूबसूरती होती है क्योंकि अगर आप देखें तो फुटबॉल लीग से शुरू हुआ आईपीएल क्रिकेट से शुरू हुआ फिर अब काफ़ी लीग्स आ गई ये जो राइवलरी बिटवीन द सिटी है हेल्दी राइवलरी यही खूबसूरती है और हमें भी बड़ा इंतज़ार है उस मैच का जी मेरे नज़दीक आप हर मैच जो है वो जीतने के लिए खेलते हैं राइवलरीज जो हैं ये हमेशा आपके ऊपर प्रेशर डालती हैं अगर आप इसके बारे में ज़्यादा सोचें तो मैं पर्सनली तौर पर अपने लिए अपना जो टारगेट है वो सिंपल रखता हूँ जो भी टीम सामने आए उससे ऑब्वियसली हमने जीतना है तो राइवलरी हो जाती है तो जीत की परफॉर्मेंस के लिए मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हम परफॉर्म करें हम जीतें दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द चैलेंज जब भी जिस टीम के साथ भी मैच आए हम लोग जीतें और खुशियाँ दें दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट सबसे पहला टारगेट है कि हम क्वालिफाई करें और फिर फाइनल तक जाएं और देखिए जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग जो कंपटीशन होता है वो जब भी आप देखें तो जो लाहौर और कराची का मैच होता है वो सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं 77 इवन कि 80+% लोग जो है वो मैच देखते हैं तो वो पीएसएल के लिए भी अच्छा है और लोगों के लिए भी अच्छा है और गेम के लिए भी अच्छा है तो लाहौर कराची लाहौर में फाइनल खेलने से बड़ी और क्या बात होगी आकिब भाई मेरा आप इससे सवाल है अभी बात हुई है बड़े नामों की माजी में 4 पीएसएल जो हुई हैं उसमें बड़े बड़े नाम थे क्रिस गेल आपने रखा ब्रेंडन मैकुलम रखे और भी बेशुमार इस बार उस तरह के नाम नहीं है तो क्या आप समझते हैं कि क्योंकि T20 जो है वो नौजवानों की गेम है तो इसमें आपको एडवांटेज मिलेगा इस बार इसका बड़े नाम उस तरह नहीं है देखिए बड़े नाम से सच जब कोई टीम नहीं जीतती तो कोई ना कोई रीज़न हम तलाश करते हैं कि ये बड़े बड़े नाम ले लेते हैं और कभी अनफिट हो जाते हैं कभी आते नहीं हैं कभी
परफॉर्म नहीं करते. बड़े नाम अभी भी क्रिस लेन इज़ अ बिग बिग नेम, मोहम्मद हफीज़ मोहम्मद हफीज़. तो हमारे पास एक्सपीरियंस और यंग लॉट काफ़ी है, और ये तो सारे बच्चे हैं जो कि हमारे कप्तान भी पहली दफ़ा कप्तानी करेंगे इस टूर्नामेंट में. तो ये इनको नॉलेज बहुत है, इन सब बच्चों का भी नॉलेज है, बड़ों को तो ये देखते रहे. तो आई थिंक ये जो एडवांटेज हमें यूथ एंड एक्सपीरियंस ये खासा मुझे फील होता है कि डिफरेंस डालेंगे. ये यंगस्टर्स हैं, इनसे मैं पूछना चाहूँगा इन पाँचों से, कितना इन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया इस पीएसएल के लिए, और इनको मौका मिला तो कैसा जो है ये चांस देंगे, पहले दिलबर से और फिर उसके बाद बाकी. दिलबर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, अच्छा मेहनत की है, डेढ़ साल से लॉर्ड लंदर के साथ हूँ, तो इंशाल्लाह ताला अपनी पूरी कोशिश करूँगा, बाकी अल्लाह पाक हमें कामयाब करे, मुझे करे और मेरी टीम को. यकीन बस ये है कि देखिए, मैं आपको अपना 100% देने की कोशिश करूँगा, बाकी यकीन तो सभी को होता है अपने आप पे, तो हमें भी इंशाल्लाह ताला पूरा यकीन है कि हम अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तैयारी हमारी अच्छी है, पिछले डेढ़ दो साल से इधर खेल रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अपना पूरा 100% देंगे अपनी टीम को जितवाने के लिए, बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में इंशाल्लाह. बस प्रिपरेशन अच्छी है, इंशाल्लाह जीत के जीतना है, इंशाल्लाह जीतेंगे. ये नई चीज़ ये है कि लेग स्पिनर हम जो है यंग है, हमारे साथ कोचेज अच्छे हैं, तो इन्होंने हमें देखा है दो साल से, तो इंशाल्लाह अच्छा करेंगे. दो साल से मैम हम सब जो हैं वो कलंदर्स फैमिली का हिस्सा हैं, और जो सबसे बेहतरीन चीज़ है कि कलंदर्स ऑलवेज हैव बीन बोल्ड एंड फियरलेस, तो हम यही इस चीज़ को कैरी आउट करेंगे, और हमारी प्रिपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, और जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हमारे पास हैं तो हमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को भी मिलेगा, एंड इंशाल्लाह रिजल्ट्स विल बी पॉजिटिव. जी, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है ने अपॉर्चुनिटी दी आके भाई समीन भाई सब मैनेजमेंट का, और हमारा दो महीने से कैंप लगा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि हमारा टाइम है कि फ्रेंचाइज ने इतना इन्वेस्ट किया हम पे, तो टाइम है एज यंगस्टर हम अपनी फ्रेंचाइज को पे बैक करें और इंशाल्लाह पीएसएल जीतें. आकिब भाई ने बहुत कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि आकिब भाई ने बहुत मोटिवेट किया मुझे. ऑब्वियसली मैं थोड़ा रिलक्टेंट था शुरू में, डोमेस्टिक खेल रहा था, नहीं किया थी कभी, लेकिन आकिब भाई ने बोला कि ट्राई करो, कॉन्फिडेंस दिया, मोटिवेट किया. और हफीज़ भाई हो गए, सलमान भाई हो गए, जितने सीनियर प्लेयर्स हैं उन्होंने काफ़ी पाई की, और हमारी फ्रेंचाइजी यही चीज़ है कि हम लोग जैन हैं और ऐसे टीम खेलते हैं, तो आई थिंक ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी कि हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं और जितने कोचेज और मैनेजमेंट हमें बहुत बैक करती है. माय क्वेश्चन इज टू बेन डंग, इट्स योर फर्स्ट टाइम हेयर इन पाकिस्तान, सो हाउ यू फील हेयर इन पाकिस्तान? सेकेंडली, विकेट्स आर टू डिफरेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान, सो हाउ यू मैनेज हेयर? It's actually my second time. I was here last year as well. So I had a little bit of experience in Karachi, which I understand the wicket is slightly different. But we've got three more days of training. I've played a little bit in the subcontinent, in India and Sri Lanka as well, quite a bit in Dubai. So I've got quite a lot of experience playing in these conditions, and hopefully my game can adapt accordingly, and you know, we can put some big totals on the board. Yes. Haris, aap gair mulki league khel ke aaye, वहाँ पे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें वहाँ पे आपको पाकिस्तान में खेलने का मौका मिला, कज़ाफी स्टेडियम पिच से आप वाकिफ हैं, तो आप पीएसएल में खुद को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह बिग मैच में खेला अभी, तो जिस तरह वहाँ की जो सी विकेट्स है वो दरअसल बात है फास्ट बॉलर को शूट कर रही थी, अब पाकिस्तान में जिस तरह खेल रहा हूँ तो यहाँ पर जिस तरह अपनी स्ट्रेंथ पर रहूँगा, जिस तरह लास्ट ईयर में पीएसएल खेला था, यॉर्कर्स पर ज़्यादा फोकस था, और अभी जिस तरह एक नई चीज़ मैंने अपने अंदर स्किल स्लो वन इम्प्रूव की है, तो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के विकेट्स पे ज़्यादा इफेक्टिव होगी, तो इंशाल्लाह डिफरेंट ट्राई करेंगे. जी सर, लाहौर कलंदर से प्यार करता है, इसमें कोई जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, लाहौर का तो यही नारा है, तो इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर अपना कोई हदफ बताए लाहौरियों को, क्योंकि एमसीसी के खिलाफ जो मैच हारा उससे भी बहुत लोगों को दिल टूटा, और सोशल मीडिया पे जिस तरह हुआ फिर भी लोग आपसे प्यार करते हैं. आप आकिब जावेद साहब से कि आपका हदफ क्या है,
मैं सलमान भट्ट साहब से भी कहूँगा कि वो भी बताएं कि इस मरतबा जो PSL के 5 में उनका टारगेट क्या होगा। देखिए, टारगेट तो आपका जीतना ही होता है, और सबसे पहले यू नो मैच बाय मैच आप जीतने की कोशिश करते हैं, क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं, और फिर आपका ड्रीम तो डेफिनेटली जीत ही है। लाहौर अपनी पोजीशन से हिला तो फिर जाएगा सबसे ऊपर ही। सलमान सलमान ये कौन है? देखिए, मेरा तो फर्स्ट टाइम फुल एडिशन में है एज ए रिटेन प्लेयर, और ऑब्वियसली जैसे आके भाई ने कहा, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप थिंग। अल्टीमेट गोल तो जीतना ही होता है, लेकिन इसको लेना डे टू डे बेसिस पे या मैच टू मैच। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि वो परफॉर्मेंस पुट अप हो जिससे टीम जीते इंशाल्लाह, और जो अपना रोल है उसको पूरा किया जाए। और जब ऐसा होगा, अगर हर बॉक्स टेक्स कर होते जाएंगे हर प्लेयर की तरफ से, तो फिर इंशाल्लाह रिजल्ट्स में बेहतरी आएगी। देखिए, PSL का पाकिस्तान आने, इट्स द अल्टीमेट थिंग। इससे ज़्यादा कोई फ़ायदेमंद चीज़ हो नहीं सकती पाकिस्तान के लिए। हर शोबे को फ़ायदा है, नॉट ओनली क्रिकेटर्स, इससे आपकी हर इंडस्ट्री को फ़ायदा है। इक्विपमेंट इंडस्ट्री हो गई, होटल इंडस्ट्री हो गई, टूरिज्म हो गया, आपका जो वैसे दूसरी चीज़ें, जितने भी लोग इससे किसी ना किसी तरीके से इंटरेक्ट हैं, उन सबका फ़ायदा है। और आई थिंक ये पाकिस्तान का प्रोडक्ट था, पब्लिक भी मिस करती थी इसको जब ये दुबई में होता था, उस तरह की टेंशन भी नहीं थी प्लेयर्स को मिलती। तो अब प्लेयर्स को वो फील आएगी जो इंटरनेशनल क्रिकेट के ज़्यादा करीब है। सो आई गेस के इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए सब फ्रेंचाइजेस को जो अपने प्लेयर्स को कन्विंस करके लाते रहे हैं पिछले एडिशंस में। PCB का बहुत काम है इसमें, बहुत पॉजिटिव है, उसमें एजेंसीज हैं पाकिस्तान की जो सिक्योर करती हैं। सो आई गेस सबका टीम वर्क है, और आई थिंक इट्स ग्रेट टू बी बैक होम। इससे अच्छी चीज़ हो नहीं सकती स्पोर्ट्स के लिए। हाजिर साहब, हमारे फॉरेन गेस्ट भी हैं, उनसे भी सवाल पूछें। आके भाई, मेरा आपसे सवाल है कि पहले आपसे सवाल ये है कि सोशल मीडिया पे तुसी बात कर लेना शेख साहब, चले प्लीज प्लीज। मेरा आपसे सवाल है सर कि सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई भी है कि लाहौर कलंदर इतनी जल्दी कप्तान बदलता है जितनी जल्दी हालात नहीं बदले जाते, और कप्तान जो है वो सुहेल अख्तर आपने रखे हैं, हफीज भाई हैं, सलमान भट्ट हैं, काफ़ी सीनियर हैं, फ़खर जमान है, तो क्यों सुहेल अख्तर ही क्यों आपने कप्तान मुंतखब किया? देखिए, इसकी बुनियादी वजह ये है कि जब भी आप सोचते हैं कि आप एक नया सीज़न आ रहा है, तो आप बेहतर से बेहतर एक बंदा लेके आए जो कि सारा साल हमारे साथ, इन बच्चों के साथ, क्योंकि हमारा एक थीम है कि हमने यंगस्टर्स को चांस देना है, प्लेयर डेवलपमेंट के लोगों को ट्रेन करके आगे लाना है। तो उसमें इससे ज़्यादा नॉलेज किसी का नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का बेस्ट कैप्टन वो है जो अपने एक एक प्लेयर को सही तरीके से समझे और जाने। और कप्तान होना, और अगर हफीज इस साल कप्तान नहीं है तो ये उतने ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कप्तान को ग्राउंड में मशवरा देना, उसको ऐसे प्रेशर मोमेंट के ऊपर उसके पास जाना, उसको गाइड करना, तो ये सीनियर प्लेयर्स उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जितना कि कैप्टन होता है। जी सर, देन माय क्वेश्चन इज टू आवर गेस्ट प्लेयर्स एंड स्पेशली द प्लेयर्स हु आर कमिंग फ्रॉम वेरी 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 फार अवे। So, what you feel that Aqib is looking in a shape, if he participate with the Lahore Qalandars in the ground, what would be your passion if Aqib the way the legendary bowler will be bowling again? And secondly, as usual, your feelings in on environment, especially security environment, and this time when PSL, the whole PSL is happening in Pakistan, how you will comment and how you will give a good gesture to Pakistanis? I suggest, Dane, if you can take up this question. Basically they are asking about the security, so they are asking how so if you have to face Aqib Javed, how would you feel, number one, if you have to face Aqib Javed because he is looking very fit, so how do you feel? Our head coach Aqib Javed, 92 World Cup hero, if you have to face him as in the next, what you will do? Well, firstly, I'd be very honoured. Obviously, he's a legend of the game and been a legend for Pakistan for a long time. So I'd be very honoured to face him. Hopefully, he wouldn't get me out because that would be a black mark against my name, the coach. So it would
little bit worrying. But then secondly, on the question about security and being here in Pakistan, obviously it is a concern when you come over here and from the outside, but from what we've seen, it's been fantastic. You know, it's been really, really good. It's a beautiful country. I wasn't expecting to see how beautiful it is. It's a pity that we can't go out and see more of it, because we're going to be very busy, and we've got things to do here with obviously a lot of playing. But yeah, we've been very surprised, and I speak for, you know, all three of us, really. It's really nice, and we've enjoyed the experience so far, and now we're just looking forward to the tournament and getting started and playing some good cricket. Can you just avoid my main portion of question? I was asking that the Archer is looking very good in the shape. Would you love to see him in a match, bowling like a hero? You got it? Yeah, he's looking very good. He saw him in the gym this morning. He's looking strong. So maybe we can get him. I don't know if he was he picked up in the draft? I'm not sure. I don't know if he... So. Okay, next question, please. आकिब आप 1992 वर्ल्ड कप की फतेह टीम का हिस्सा रहे हैं, बखूबी जानते हैं कि जो फतह होती है उसका नशा क्या होता है। आपने अपने प्लेयर्स को बावर करवा दिया है कि यार बहुत हो गया, बस करो यार, आप जीतो, क्या कहेंगे आप? हाँ, ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम वो 92 के नशे से बाहर नहीं आ रहे, आगे जीत नहीं रहे। देखिए, इसमें कोई भी टीम हो, उसमें हर प्लेयर कोशिश करता है, और कई दफ़ा होता है कि वो नहीं क्लिक होता, उसकी रीज़न जितनी भी तलाश करें एट टाइम्स आपको नहीं मिलती। जैसे साउथ अफ्रीका है, या कभी नहीं आगे आते, या दिल्ली ने भी आज तक नहीं जीता, या लेकिन ये है कि कोशिश तो इंसान की ये है कि हर साल सबसे ज़्यादा कोशिश करें। इस साल हमने पिछले कुछ 2.5-3 महीने से ये सारे जो हमारी 60-70% जो टीम है, वो 3-3.5 महीने से कैंप में मेहनत कर रहे हैं। तो आप मेहनत के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, बाकी जीत हार जो है वो उस दिन ही पता चलेगा जैसे मैच होगा। जी, आपने मेरे से सवाल पूछा। हाँ जी, मैं बिजी मैनेजर कलंदर्स का मतलब तो ये होता है कि इससे बचो यार, इसका कुछ पता नहीं इसने क्या कर देना है। मूड में आएगा तो सबको आगे लगा रहेगा, वरना आराम से बैठा रहेगा। तो एज ए मैनेजर आप क्या शो कर रहे हैं और लड़कों से क्या एक्सपेक्टेशन आपकी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इधर खड़ा हुआ था, शायद सवाल ना पूछे, लेकिन आपने फिर पूछिए, कोई बात नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि हमारी हमेशा से कोशिश रही है, जब भी पहला सीज़न हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, हमेशा जीत के लिए ही खेले हैं। ऑब्वियसली रीजंस हैं जिसकी वजह से हम नहीं जीत सके। हमारी थोड़ी सी पिछले सीज़न में कुछ ऐसी अनफॉर्चुनेट इंजरीज थी जिसकी वजह से टीम स्ट्रगल करती रही, लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह सब फिट हैं। फिटनेस में जिस राकिब भाई भी बता रहे थे, काफ़ी काम हुआ है। हमारे जो स्टार प्लेयर्स हैं वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस दफ़ा टीम जो है आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देगी, और इंशाल्लाह लाहौरियों को हम खुशी देंगे। मेरा नाम अहमद मुराद है और मैं एक्सप्रेस न्यूज़ से बात कर रहा हूँ। मैं पहले तो आप सबको एक बेस्ट विश कहना चाहता हूँ PSL के लिए, क्योंकि मैं खुद भी बड़ा फैन हूँ लाहौर कलंदर का, और मुसलसल सपोर्ट कर रहा हूँ इस उम्मीद पे कि इंशाल्लाह किस साल आप जीत कर हमें खुश कर देंगे। मेरा सवाल है कि मोहम्मद हफीज से, कि हमें आपसे उम्मीद है कि आप इस साल आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, और पाकिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान को, लाहौर कलंदर को भी जितवाएंगे। तो इस साल आपके क्या मुख्तलिफ स्ट्रेटजी है आपकी उन टीमों के लिए जो लाहौर की वीकनेस जानते हैं, और आप उनकी किस वीकनेस पर काम करके उनको हराना चाहेंगे? पहले तो उनसे पूछेंगे कि उनके पास कौन सी वीकनेस है। कोशिश करेंगे, लेकिन मोर देन दैट इट्स अ न्यू चैलेंज टू बी ऑनेस्ट। और एज ए प्लेयर हम सब लोग, जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि इट्स अ न्यू सीज़न, न्यू फेसेस एंड प्लेंटी टू लर्न, प्लेंटी टू डिलीवर। और हम एज ए टीम जो हैं वो रेडी हैं, लाइक कोई ऐसी कमी नहीं है जिसके लिए अभी हमने मज़ीद, सिर्फ कमी इतनी है कि हमने अंदर जाना और एग्जीक्यूट करने अपने स्किल्स। Really looking forward to see the new talent जो हमारे सामने बैठा हुआ। मैं ज़ाती तौर पर चाहता हूँ कि इन लोगों की कंट्रीब्यूशन इसके अंदर आए, हम खुद एज ए सीनियर इसमें कंट्रीब्यूट करें, और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंसेस। आपको मज़ा उस वक्त आता है जब आप भी परफॉर्म करें और आपके जूनियर्स आपके साथ खड़े हों। तो मैं पर्सनली तौर पर अपने जूनियर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ एज ए सीनियर खुद, और अपने जितनी जो मेरी जो ओवरसीज टीम यहाँ पर हम लोग जो बैठे हुए हैं, जो प्लेयर्स हैं, कि ये हम सब लोग मिलके वो काम करें जो इससे पहले नहीं हो सका, और वो सिर्फ जीत है। बाकी इस फ्रेंचाइज ने बहुत अच्छे काम किए हैं, हम सब लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं,
लेकिन जो कमी है जो अब तक मैंने फील की है वो सिर्फ और सिर्फ विनिंग मोमेंट्स हैं. विनिंग मोमेंट्स हमने हासिल करनी है एज ए टीम इंशाल्लाह. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग लाहौर कलंदर. चार साल के बाद भी आप स्माइल कर रहे हैं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग. अस्सलाम वालेकुम, फखर जमान से मेरा सवाल है. फखर, बैटिंग के दौरान बॉडी लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है, एक्टिव होना, और बॉडी लैंग्वेज इंतहाई मैटर करती है. मगर आप इस तरह पाए गए हैं कि कुछ उस तरह का अपने आप में रहना, स्माइल ना देना, इस तरह की चीज़ें हैं. कुछ एक दो बैट्समैन ले लें, ज़िया पाकिस्तान में आया था वो उस तरीके से नहीं खेल सका इस तरह का. बांग्लादेश में शहरयार का आया था वो लॉन्ग टर्म नहीं खेल सका क्योंकि शार्ट सिलेक्शन उस लिहाज से उनकी नहीं थी. तो क्या आपने कभी नोट किया है या किसी ने बताया हो, क्या उसमें कोई कंट्रोल करने के लिए कुछ कर रहे हैं या किसी ने बताया हो? नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं बताया. कहा पहले ताकि लंबा आपने बता दिया तो आज के बाद मैं इस पे काम करूंगा इंशाल्लाह. लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम शहबाज सर. लास्ट क्वेश्चन प्लीज सर. सर प्लीज शहबाज योर क्वेश्चन प्लीज. उस्मान शिनवारी. उस्मान, हम देख रहे हैं जब से आप पाकिस्तान टीम में इन हुए हैं, इन आउट ज़्यादा रहा है आपका. तो कोई टारगेट सेट किया है आपने कि इस पी एस एल में ऐसी परफॉर्मेंस देंगे ताकि सेलेक्टर्स को पता लगे कि यार उस्मान है? क्योंकि आप परफॉर्म करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि बाहर हो जाते हैं. तो कितना आप तैयार हैं इसके हवाले से कि आप कैसा परफॉर्मेंस दें? दूसरा फैजान, आपसे सवाल है कि आप बहुत कम लोग जानते हैं, आपकी टीम तो जानते हो कि आप बड़े अच्छे हार्ड हीटर हैं, तो कोई तैयारी ऐसी की है कि सरप्राइज दें इस पी एस एल में? उस्मान आप. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि जहाँ पे भी खेलूँ, चाहे फ्रेंचाइज हो पाकिस्तान टीम में हो, तो मैं अपना 120% दूँ. और अगर मैं परफॉर्मेंस के बावजूद बाहर हो जाता हूँ तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. फैजान, फैजान आप, आपकी बारी. जी देखें, और क्या चाहिए? जी देखें, पिछले दो साल से कलंदर फैमिली हमारे साथ काम कर रही है, हमें प्रॉपर नेट्स और डाइट वगैरह ट्रेनिंग सारा कुछ करवा रही है. तो इस दो महीने पहले का कैंप लगा जिसमें बड़ी अच्छी बॉलिंग खेलने को मिली है 140 प्लस की. तो मेहनत की है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करेंगे और अपनी टीम को जितवाएंगे. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू.